हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल फ्रॉम मेक द सेलर। और आज की वीडियो में मेरी एक्सप्लेन करूंगा जो अपने डीजी शॉपिंग साइट का जो मास्टर चेकर होता है वो मेनली किस लिए होता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स होती है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं सीधा डीजी शॉपिंग साइट पर अपने इंडोर्स में लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको जो काम करना है वो आपको जो अपडेट सिफर प्रोफाइल है उस पर क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में एक मास्टर चेकर का ऑप्शन दिखाई देगा, साथ में आपको उस पर भी क्लिक कर देना है। तो मास्टर चेकर पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा मास्टर चेकर खुलने में। तो मेनली मास्टर चेकर में आपकी डील्स क्या क्या मिलेगी आपको मैं सारे कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सीधा सबसे फ्रंट में ही सबसे पहले आप देख पाएंगे आपका एंडोर्स नंबर होगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी कि आपने आपका नेम क्या है, आपका सरनेम क्या है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ स्टेट क्या है, बर्थ कंट्री, फिर आपकी आपने क्या किया है, कौन सा डिसिप्लिन, जैसे आपके इंजीनियरिंग है या फिर नेविगेशन डिपार्टमेंट में, तो वो सब होगी डिटेल्स। उसके नीचे आप देखोगे तो बहुत सारे कॉलम बने होंगे, जिसमें आपको बताता हूँ क्या। जब फर्स्ट कॉलम इसमें आपकी CDC डिटेल होगी, और सेकंड COC, फिर GMDSS की डिटेल्स, फिर रेटिंग के लिए डिटेल्स, फिर DC की डिटेल्स है, फिर सी सर्विस की है, फिर जो भी आपने STCW कोर्स किए हैं फिर वो डिटेल्स है, फिर लास्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट की डिटेल्स है। तो मैं वन बाई वन आपको सारी डिटेल्स दिखाता हूँ। जो फर्स्ट कॉलम है वो CDC पे मिल करता हूँ, तो मेनली आपकी CDC की जो भी डिटेल्स है वो पूरी इधर दिखाई देगी, आपका CDC का नंबर, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, तो सारी डिटेल्स आप इधर देख पाएंगे। और सेकंड जो है वो COC, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जो भी अगर आप इंजीनियर डिपार्टमेंट में हैं या फिर नेविगेशन डिपार्टमेंट में हैं, तो आपने जो भी MMDM जो एग्ज़ाम होता है वो आपने क्लियर किया है, तो उसके बाद आपको COC मिलता है। अगर आप ऑफिसर हैं तो, अगर आप रेटिंग क्रू है तो आपको COP मिलता है। तो अगर आप ऑफिसर हैं तो आपको COC मिलेगा, उसकी डिटेल्स आप इधर देख पाएंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो कब इशू हुआ और कब तक वैलिड है, तो आप इधर से वो देख पाएंगे। उसके बाद GMDSS की डिटेल्स, ये इंजीनियर्स के लिए नहीं है, और रेटिंग वाली डिटेल्स भी इधर नहीं है। उसके बाद जो BC ये डेंजरस कार्गो का जो भी आपने कोर्स किया होता है, टैंकर्स का, ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, गैस टैंकर, वो डिटेल्स भी आप इधर देख पाएंगे। उसके बाद सी सर्विस डिटेल्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका करियर जब स्टार्ट हुआ और जब एंड हुआ, जितनी भी सेलिंग आपने की है स्टार्टिंग डेट से लेके एंड तक, वो सारी डिटेल्स आपको इधर मिल जाएगी। आपके कौन सी कंपनी से आपने सेलिंग की है, क्या शिफ्ट था, क्या रैंक था आपका, कब साइन ऑन हुआ, कब साइन ऑफ हुआ, तो वो सारी डिटेल्स आप इधर देख पाएंगे। एक तरह से ये पूरा आपका लेखा जोखा है, जितना भी सेलिंग मारे हो सब डिटेल्स आपको इधर दिख जाएगा। और उसके बाद जो डिटेल्स है वो ट्रेनिंग डिटेल्स है, तो मेनली जितने भी आपने STCW कोर्स किए हैं वो सारी डिटेल्स आप इधर देख पाएंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी कोर्स किए हैं आपने। और उसके बाद जो लास्ट डिटेल्स है वो आपके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की है, तो आपने जो भी मेडिकल करवाया अपने DG अप्रूव्ड डॉक्टर से, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेडिकल जितना भी है, तो कब इशू हुआ मेनली, कब कब तक एक्सपायरी है, तो वो सारी मेडिकल की डिटेल्स मिल, इधर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो भी एक सीफर जो भी है वो अपनी पूरी लाइफ में क्या क्या करता है, क्या क्या किया है, तो मेनली सारी डिटेल्स आपकी इधर मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी इस वीडियो में यहीं तक, मैं थोड़ी मास्टर चेकर मेनली बताना चाहता था कि इसमें क्या क्या होता है।